मिलती है वो गांधी कथा में आने वाले लोग अपने साथ रखेंगे, तो उस पुस्तिका में धुन और इस कथा में गाए जाने वाले सारे गीत और उसके अलावा और कथाओं में भी जो गाए जाते हैं वो सारे गीत इसमें मिलेंगे। अभी धुन होगी और उसके बाद जो गीत होगा वो इस पुस्तिका के सातवें पृष्ठ पर है, और कल से गाने वाले लोग उस पृष्ठ को भी अनाउंस कर देंगे, तो जिनके पास किताब होगी वो उस गीत को साथ साथ पढ़ सकेंगे, गुनगुना सकेंगे, और क्योंकि वो गीत के कथा में सहायक होते हैं। अभी धुन होगी। प्रणाम लोकात्मा को
जिनकी श्रद्धा मुझे ताकत देती है। गांधी का जीवन मेरी दृष्टि से श्रद्धा और पुरुषार्थ का एक महाकाव्य है। श्रद्धा सत्य के लिए और पुरुषार्थ अहिंसा का, इन दोनों के ऊपर गांधी का जीवन खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये पुण्यपुरी पुणे जो महाराष्ट्र की संस्कार धानी है, मेरे लिए निजी रूप से बहुत पवित्र स्मरण दिलाने वाली नगरी है। इसलिए शोभनाथ आय के निमंत्रण को हमने जल्दी जल्दी स्वीकार कर लिया। उसमें मेरी उदारता नहीं, मेरा स्वार्थ ही काम करता था। मेरे परम पूज्य और प्रिय दो स्वजन आगा खान महल में स्थायी रूप पे बस गए। यहाँ के वातावरण में मैं अनेक मित्रों की स्मृति की सुवास को अनुभव करता हूं। राव साहेब और अच्युत पटवर्धन, धर्माधिकारी दत्तोबा दास्ताने, यदुनाथ थत्ते, उमर भाई, ये सबके सब मुझसे बड़े थे, लेकिन सब लोगों ने मुझसे मित्रता और प्यार का ही संपर्क रखा था। यहां आने से उनका पुण्य स्मरण ताजा होता है, वो एक विशेष आकर्षण। मराठी में मैं अगर यदि बोल सकता तो मराठी में ही कथा करना पसंद करता, लेकिन मैं समझ लेता हूं जब कोई बहुत ज्यादा मराठी जानने वाला सामने नहीं है, ये विश्वास हो तो बोल भी लेता हूं, लेकिन भाषण नहीं कर सकता। लेकिन मराठी का जो एक शब्द है महाराष्ट्र माउली, मुझे बहुत निजी रूप से बहुत अनुभूति देने वाला शब्द है। मैंने अपनी जननी से यह बात सुनी है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां को पूरा दूध कभी कभी नहीं होता था, और हमारे बिल्कुल पड़ोस में आश्रम भजनावली के संपादक नारायण मोरेश्वर खड़े रहते थे,